दिया नहीं जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन, आज जगमगाते हैं मकबरे उनके जो चुराते थे शहीदों के कफन। आज जगमगाते हैं मकबरे उनके, इतिहास में भी भूल हुई, गद्दारों को नाम मिल गया और देशभक्तों को क्या मिला। आज के नेता भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उनके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं पता है आपको? कुछ ऐसे भी नेता हैं जो उनको आतंकवादी घोषित करते हैं, आतंकवादी कहकर बुलाते हैं। किस चंद्रशेखर आजाद को? उसको जिसने जब क्रांति का वीड़ा उठाया और धन की कमी पड़ने लग गई, क्योंकि टीम को, टोली को चलाने के लिए धन भी चाहिए था, उनके पास था ही नहीं, गुलामी की स्थिति थी, तो उन्होंने ट्रेन लूटी थी। तो लोगों ने कहा था कि अरे आजाद, अपने माता पिता के लिए भी इसमें से कुछ धन निकाल के दे देना, अरे वो भी तो भूखे हैं, वो भी तो गरीब हैं, उनका सहारा कौन है, इसमें से कुछ उनको भी दे देना। तो उस समय आजाद ने कहा था कि मेरी पिस्तौल में 3 गोली है, 2 गोली उनके सीने में चला सकता हूं और 1 खुद खाकर मर सकता हूं, लेकिन इसमें से 1 पाई भी मैं अपने मां बाप की रोटी के लिए नहीं दूंगा। मेरी पिस्तौल में 3 गोली हैं, मैं 2 उनके सीने में दाग दूंगा, मैं इसी तरह से उनकी आरती कर लूंगा, मैं अपनी गोली से ही उनकी आरती कर लूंगा, उनकी पूजा कर लूंगा, और 1 गोली से मैं स्वयं मां भारती के चरणों में समर्पित हो जाऊंगा, लेकिन इसमें से मैं 1 रोटी भी अपने माता पिता को देना नहीं चाहता हूं। ऐसे ऐसे जिन्होंने अपने आप तक को समर्पित कर दिया, ऐसे शूरवीरों को भी जब नेता आतंकवादी कहते हैं तो कष्ट होता है। जिन्होंने सब कुछ समर्पित किया उनके लिए जब ये शब्द बोलते हैं तो कष्ट होता है। वो आतंकवादी कहते, तो मैं भी कई बार सोचती हूं कि अब यदि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और ये सब अगर आतंकवादी थे, तो ऐसे आतंकवादी तो घर घर में पैदा होने चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे आतंकवादी हुए तो कसाब जैसे आतंकवादी फिर पैदा नहीं होंगे। जो देश के लिए समर्पित हो गए उनको आप आतंकवादी का नाम दे रहे हो। मैं कहती हूं जिनकी पूजा करनी चाहिए, जिनके जयकारे लगने चाहिए, आज उनकी आत्मा क्या कहती होगी जिन्होंने कहा था हम लाए हैं इस कश्ती को तूफान से निकाल कर, मेरे बच्चों वतन को रखना जरा संभाल कर, क्या पूछती होगी उनकी आत्मा आज भी हम सबसे, कितना संभाल पाए हम अपनी परंपराओं को, कितना संभाल पाए हम अपनी धरोहरों को, कितना संभाल पाए हम अपने मंदिरों को तोड़ दिए गए, कितना संभाल पाए हम गौ माता को, हम कितना संभाल पाए अपनी बहन बेटियों की आबरू को, पूछते तो वो आज भी होंगे और हम सबसे पूछते हैं। पर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगी कि यदि हम सब खड़े हो जाएं, यदि हम सब जागृत हो जाएं, प्रथम दिन में मैंने कथा की कहा था